सो गाइस, वैसे आप सभी को पता है कि लियोडली के सेटअप वैसे होते कैसे है और उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये आप सभी को पता है। उसके अलावा लियोडली के आपको LF सीरीज के बेस भी काफी फेमस है, जो कैबिनेट के रूप में भी कॉपी किए जाते हैं और ओरिजिनल सेटअप की काफी फेमस है। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं लियोडली के LF सीरीज के सभी बेस और टॉप। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने LF सीरीज के कुछ ही मॉडल है जिनके बारे में हमने सुना है, जैसे LF7 कैबिनेट या फिर LF7 बेस, LF8, LF9 या LF10 जैसे बेस के ऊपर सुना है। आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली LF सीरीज के सभी बेस और उसके अलावा टॉप के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर LF सीरीज के अंदर और कौन कौन से मॉडल है और उसकी क्या रहती है स्पेसिफिकेशन, और उसी के साथ में पावर रेटिंग्स के ऊपर भी बात करेंगे, उनके कैबिनेट और उसके लुकिंग के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, LF सीरीज यानी लियोडली की एलियन सीरीज से रहते हैं। इसके अंदर भी हमें दो अलग अलग मॉडल देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर बेस के लिए बात करें तो LF सीरीज देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हमने बेस के नाम सुने होंगे LF7, LF9 मॉडल से। उसके अलावा इसी सीरीज के अंदर मिड हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ पर आपको MS सीरीज देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें टॉप देखने को मिलते हैं। MF सीरीज के अंदर हमें तीन मॉडल देखने को मिल जाते हैं, जिसमें MS3, MF7 और MH9 मॉडल से देखने को मिल जाते हैं, जो यहाँ पर मिड हाई फ्रिक्वेंसी के लिए रहते हैं। और LF सीरीज के अंदर हमें टोटल LF1, LF3, LF5, LF7 और LF9 मॉडल से जो बेसेस है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें तीन मॉडल यानी LF1, LF3 और LF5 जो हमें सिंगल बेस के अंदर मिलते हैं, LF7 और LF9 वो हमें डुअल बेस के अंदर मिलते हैं। इसका एक और मॉडल है LF8, लेकिन वो अब कंपनी ने शायद तक बंद कर दिया है, इसके कारण उस बेस का ज्यादा हमें जिक्र देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं इस मॉडल के लुकिंग और इसके पावर रेटिंग और इसके फुल स्पेसिफिकेशन के ऊपर। MH सीरीज का सबसे पहला मॉडल MH3, जो यहाँ पर आप बेस के टाइप देख सकते हो, ये हमारा मिड हाई वाला रहने वाला है। इसके अंदर 12 इंच के स्पीकर से वो यूज किए गए हैं और यहाँ पर फ्रंट से कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। बैक पैनल के अंदर यहाँ पर आप इसके न्यूट्रिक स्पेक ऑन देख सकते हो। और बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर, तो मॉडल MH3 देखने को मिल जाता है और ये हमारा बेस नहीं है। और यहाँ पर पावर की बात करें तो 500 वाट का रहता है। फ्रिक्वेंसी इसकी 100 से 19 के हर्ट्ज के बीच के अंदर मिल जाती है। इसके अंदर लो मिड फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ पर 12 इंची का एक यूज किया गया है और एक HF यूज किया गया है जो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए है। सेंसिटिविटी यहाँ पर 102 dB की मिल जाती है, SPL 125 dB का मिल जाता है, इम्पेडेंस 8 ohms के साथ में रहता है। इसका नेक्स्ट मॉडल है वो MH7 देखने को मिल जाता है, जो पावर के अंदर 620 वाट का रहता है। इसकी साइज भी यहाँ पर बेस के टाइप ही रहती है। फ्रिक्वेंसी इसकी 100 से 19 के हर्ट्ज के बीच रहता है। इसके अंदर लो मिड फ्रिक्वेंसी के लिए 12 इंच का एक स्पीकर यूज किया गया है, उसके अलावा 120 वाट की एक HF यूज की गई है। सेंसिटिविटी यहाँ पर 103 dB की रहती है, SPL 129 का रहता है और इम्पीडेंस के अंदर ये भी 8 ओम्स के साथ में रहता है। इसका नेक्स्ट मॉडल यानी MS9 Pro, जो यहाँ पर इस टाइप से देखने को मिल जाता है, जो एक टॉप सीरीज के अंदर रहता है, जो 12 का रहता है, 1000 वाट की पावर रेटिंग के साथ में यहाँ पर एक स्टाफ से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको लियोडली की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर काफी शानदार फिनिशिंग के साथ में ये रहता है, जो लॉन्ग थ्रो के लिए सबसे बेस्ट रहता है। इसके भी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो मॉडल इसका MS9 देखने को मिल जाता है। ये हमारा 12 का टॉप है, जो यहाँ पर लॉन्ग थ्रो के लिए सबसे बेस्ट है। पावर के लिए 1240 वाट का रहता है। फ्रीक्वेंसी इसकी 100 से 19 के हर्ट्ज के बीच रहती है और इसके अंदर लो मिड फ्रीक्वेंसी यानी 12 इंची के दो स्पीकर यूज किए गए, जो 500-500 का है, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए डबल HF यूज की गई है, जो यहाँ पर 240 वाट की रहती है यानी 120 वाट से। सेंसिटिविटी 105 dB की मिल जाती है, SPL 132 का देखने को मिल जाता है और इसका इम्पीडेंस भी यहाँ पर आपको 8 ohms का देखने को मिल जाता है पार्लर वायरिंग के साथ में। फिर बात करते हैं हमारे LF1, जो यहाँ पर सिंगल बेस का रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका फ्रंट पैनल कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है।
ये हमारा लियोडली का ओरिजिनल सिंगल बेस है। तो चलते हैं इसके भी स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो इसका मॉडल LF1 देखने को मिल जाता है और इसका पावर है वो 1000 वाट का रहता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 32 से 125 के की लो फ्रीक्वेंसी के साथ रहता है और इसके अंदर 18 इंची का एक स्पीकर यूज किया गया है जो लो फ्रीक्वेंसी का है। यहाँ पर गलती से लो मिड लिख दिया। सेंसिटिविटी 101 डीबी की, SPL 128 और इम्पेडेंस 8 ओम्स के साथ में रहता है क्योंकि हमारा सिंगल स्पीकर है। इसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की। तो LF3 हमारा इसका नेक्स्ट मॉडल रहने वाला है जो 1200 वाट का सिंगल बेस है। ये भी लियोडली का ओरिजिनल और हॉर्न लोडेड वाला बेस रहता है। इसका पावर 1200 वाट का रहता है। फ्रीक्वेंसी 32 से 125 हर्ट्ज की मिल जाती है। इसके अंदर भी लो फ्रीक्वेंसी के लिए 18 इंची का एक वूफर यूज किया गया है जो 1200 वाट का है। सेंसिटिविटी इसकी 101 डीबी की रहती है। SPL इसका 139 का पीक SPL रहने वाला है और इम्पेडेंस इसका 8 ओम्स का रहता है। इसके अलावा LF5 जो भी हमारा सिंगल बेस रहने वाला है ये भी लियोडली का ओरिजिनल सबवूफर है। पावर के अंदर ये 1600 वाट RMS पावर के साथ में रहता है। फ्रीक्वेंसी इसकी 32 से 180 हर्ट्ज की मिल जाती है। इसके अंदर भी लो फ्रीक्वेंसी के लिए एक स्पीकर यूज किया गया 18 इंची का और सेंसिटिविटी यहाँ पर 101 डीबी की मिल जाती है। SPL 132 का रहने वाला है। इम्पेडेंस इसका 8 ओम्स के साथ में रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट मॉडल रहता है LF सीरीज का सबसे फेमस मॉडल LF7 जो यहाँ पर साइज में इस टाइप से देखने को मिल जाता है। ये हमारा एक डुअल बेस के अंदर देखने को मिल जाता है जो 2100 वाट की पावर रेटिंग के साथ में रहता है जिसका फ्रंट पैनल कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। इसके बैक लुक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्री स्पेकॉन के साथ में काफ़ी शानदार फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बात करें इसके कैबिनेट की तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी हमारा कैबिनेट का डिज़ाइन है वो कर्व्ड बेस के अंदर रहता है और यहाँ पर इस कैबिनेट की जो साइज और फिटिंग है वो लियोडली का ओरिजिनल है, यानी इसके अंदर पूरा कंपनी फिटिंग माल आता है। फिर इस बेस के स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात की जाए तो इसका मॉडल LF7 देखने को मिल जाता है जो एक डुअल बेस है और सबसे ज़्यादा कैबिनेट इसी के कॉपी की जाते हैं। पावर के अंदर इसके ओरिजिनल की बात करें तो 2100 वाट का रहता है। फ्रीक्वेंसी इसकी 30 से 180 हर्ट्ज की मिल जाती है। इसके अंदर भी लो फ्रीक्वेंसी के लिए 18 इंच के दो स्पीकर यूज किए गए जो 1200 वाट के। सेंसिटिविटी 104 डीबी की मिल जाती है। SPL 136 डीबी का मिल जाता है और इम्पेडेंस इसका 4 ओम्स के साथ में रहता है। और फिर बात करते हैं हमारे LF सीरीज का सबसे पावरफुल बेस यानी LF9 जो यहाँ पर फ्रंट से इस टाइप से देखने को मिल जाता है। ये भी हमारा डुअल का बेस रहता है। यहाँ पर आप इसका कैबिनेट देख सकते हो जो अलग अलग ग्रिल के साथ में यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो काफ़ी हैवी है। और यहाँ पर कैबिनेट की डिज़ाइन की बात करें तो ये भी हमारा कर्व्ड बेस के टाइप में रहता है और यहाँ पर इसके अंदर दो स्पीकर यानी लियोडली के ओरिजिनल लगे हुए रहते हैं जो यहाँ पर पावर रेटिंग्स के अंदर 3700 वाट का रहता है। इस बेस के भी स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करें तो यहाँ पर इसका मॉडल LF9 देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पावर के अंदर ये 3600 वाट का रहता है और इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 30 से 190 हर्ट्ज के बीच रहती है। लो फ्रीक्वेंसी के लिए 18 इंची के दो स्पीकर यूज किए गए हैं 1800 वाट के। सेंसिटिविटी यहाँ पर 104 डीबी की मिल जाती है। SPL इसका काफ़ी तगड़ा 140 का मिल जाता है और इम्पेडेंस इसका 4 ओम्स के साथ में रहता है। सो गाइज ये है लियोडली के ऑल यानी LF सीरीज के टॉप और बेस। अब इनमें आपको पावर रेटिंग्स के हिसाब से आपको बेस और हाई मिड हाई के लिए यहाँ पर आपको स्पीकर्स लेने होंगे। जैसे अगर आप LF7 या फिर LF9 बेस में से कोई लेते हैं और आप इसके लिए लियोडली का यहाँ पर MS9 प्रो जो यहाँ पर 1200 वाट का टॉप है वो यहाँ पर आप ले सकते हो जो मिड हाई के लिए बोल सकते हैं। उसके अलावा या फिर आप LF5 मॉडल से बेस लेते हैं तो यहाँ पर उसके लिए फ्रेंड्स आपको MS7 प्रो यहाँ पर आपको मिड हाई के लिए लेने की ज़रूरत पड़ेगी जो इसके साथ कॉम्बिनेशन बैठता है। उसके अलावा आप LF1 या फिर LF3 मॉडल से बेस लेते हैं उसके लिए आपको MS3 मॉडल से यहाँ पर मिड हाई के लिए लेने की ज़रूरत पड़ेगी जिसके साथ इनका कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो गाइज ये है हमारे लियोडली के इलियन यानी LF सीरीज के ऑल इक्विपमेंट्स जो यहाँ पर आप देख चुके हैं। उसके अलावा मार्केट में LF8 या फिर LF10 के मॉडल से भी कैबिनेट अवेलेबल रहते हैं। वो एक लियोडली के कॉपी कैबिनेट है यानी लियोडली प्रो साउंड का ओरिजिनल कोई भी इसका इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बेस के कैबिनेट के रूप में कॉपी रहते हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हो। सो गाइज आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।